प्यारे दर्शकों नमस्कार, राम राम। बुद्ध पंडित में आप सबका स्वागत है। पुरोहित कर्म विधि डॉक्टर अशोक कुमार वेदाचार्य द्वारा लिखित अंत्येष्टि संस्कार में पंचक विधि और पुत्तल पूजन और दाह संस्कार इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यथासंभव संपूर्ण जानकारी मंत्र एवं विधि सहित बताने का प्रयत्न करेंगे। पंचक में यदि मनुष्य की मृत्यु हुई हो तो गोदान पुत्तल पूजन होता है, जिसका क्रम इस प्रकार से है। दाह करने वाला अपशब्द होकर बैठे अपने दाएं हाथ में कुसा तिल जल लेकर यह संकल्प करे। ओम अद्यः अमुख गोत्रस्य अमुख नामः प्रेतस्य धनिष्ठादि पंचक नक्षत्रा अंतर्गत। यहाँ पर जो भी पंचक नक्षत्र का नाम हो उसका नाम रख ले। अमुख नक्षत्रे प्राण वियोगत वियोगतर सूचित वंशा रिष्ट निवृत्त्यर्थः दुर्मरण जनित दोष परिहारणार्थं च वृक्ष त्रय प्रयाश्चित पूर्वक पुत्तल कर्म करिष्ये। संकल्प के समाप्ति के पश्चात जल फूल भूमि पर छोड़ दे। देखिए पंचक नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। पंचक धनिष्ठा सतभिष्ठा पूर्व भाद्रा पद उत्तर भाद्रा पद एवं रेवती, यह पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्र में मरने पर उत्तल विधान कथन उषा की पांच प्रतिमा को बनाकर उनसे लपेट कर जल मिश्रित यव के पिसान का अनुलेपन कर और हाथ में जल लेकर बोले, ओम अद्यः अमुख गोत्रस्य अमुखस्य पंचक मरण जनित वंश निष्ठ परिहारणार्थम पंचक विधि करिष्ये। इस प्रकार यह संकल्प करने के बाद इन नामों का उच्चारण करें। ओम पूर्वक संकल्प कर मंत्रों से या नाम मंत्रों से, प्रेत वाहनाय नमः प्रेत सर्वाय नमः प्रेत पाय नमः प्रेत भूमि पाय नमः प्रेत हर्तये नमः। इस प्रकार गंध द्वारा अर्चन कर मृत प्रेत के ऊपर क्रम से प्रथम सिर में, दूसरे नेत्र में, तीसरे बाएं कुच्छा में, चतुर्थों में नाभि में और पांचवे को पैर पर रखकर पूर्वोक्त नाम मंत्रों से ही स्थापन करना चाहिए। पंचक के पहले मरने पर पंचक में दाह करने तो पुत्तल विधान ही करे, शांति न करे। पंचक में मरने पर पंचक के बाद दाह करने पर शांति का ही विधान है। अगर पंचक में मृत्यु हुई हो तो और पंचक में ही दाह संस्कार किया जाए तो यह दोनों कर्म किया जाता है, उत्तर विधान भी और पंचक विधान भी, ऐसा धर्म सिंधु में लिखा है। और पांच पुत्तलों का निर्माण करने के बाद आवाहन निम्न क्रम से करना चाहिए। प्रथम सिर वाले पुत्तल पर तिल छोड़े। ओम धनिष्ठा नक्षत्रा धिष्ठा प्रेतवाहस इहागच्छ। द्वितीय दाहिने कुछ वाले पुत्तल पर तिल छोड़े। सत भीषा नक्षत्रा धिष्ठा प्रेत इहागच्छ। तृतीय बाई कुच्छा वाले पुत्तल पर तिल छोड़े। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र धिष्ठा प्रेतः इहागच्छ। चतुर्थ नाभि के तिल छोड़े। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र धिष्ठा प्रेत भूमिप इहागच्छ। पंचम पैर के बीच वाले पुत्तल पर तिल छोड़े। रेवती नक्षत्र अधिष्ठा प्रेतः इहागच्छ।
इस प्रकार से पांचों पुतल पर क्रम से अनुसार गंध अक्षत पुष्प काले तिल कुसा द्रव चढ़ाए। इस प्रकार से पूजन करने के बाद तदुपरांत निम्न पांचवें पिंड को दाह करता अपने दाएं हाथ में देवे, फिर हाथ में काला तिल कुशा जल लेकर यह संकल्प करे। हमने पिछले वीडियो में चार पिंड के बारे में बताया था और यह पांचवा पिंड इस क्रम से है। संकल्प बोले, ओम अद्यः अमुख गोत्र अमुख प्रेत मोक्षकामः चितो परि साधकाना एषा पिंडस्ते मया दीयते तव प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से बोल करके कुसा के ऊपर पिंड को छोड़ दे और हाथ में जल लेकर फिर छोड़ दे। पुनः सभ्य होकर कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर और कृप्यदा नामक अग्नि का पूजन करके निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए घृत से हवन करें। जहाँ चिता लगाए हो उसके पास ही अग्नि प्रज्वलित करने करके निम्न चार मंत्रों से हवन करना चाहिए। लोम भियः स्वाहा, लोम भियः स्वाहा, त्वचे स्वाहा लोहिता यस्वाहा, लोहिता यस्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, मेदोभ्यः स्वाहा, माभ्यः स्वाहा, माभ्यः स्वाहा, शेभ्यः स्वाहा, स्नाभ्यः स्वाहा, स्वाहा स्थाभ्यः स्वाहा, स्थाभ्यः स्वाहा, माजेभ्यः स्वाहा, माजेभ्यः स्वाहा, रीतसे स्वाहा, पायवे स्वाहा। यह एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र, आयश्वाय स्वाहा, प्रयासाय स्वाहा, संन्यासाय स्वाहा, वियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहा, शोचे स्वाहा, शोचते स्वाहा, शोचमानाय स्वाहा, शोकाय स्वाहा, तपसे। यह दूसरा मंत्र हो गया। और तीसरा मंत्र, ओम तपसे स्वाहा, तप्यते स्वाहा, तप्यमानाय स्वाहा, तप्ताय स्वाहा, धर्माय स्वाहा, निष्कृताय स्वाहा, प्रायश्चिताय स्वाहा, भिक्षजाय स्वाहा। यम यह तीसरा मंत्र हो गया। तीसरे मंत्र के बाद चौथा मंत्र, ओम यमाय स्वाहा, क्याय स्वाहा, मृतवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, ब्रह्महताय स्वाहा, विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, द्यावा पृथिवीभ्यः स्वाहा। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करते हुए घी की आहुति दे, भगवान का ध्यान करे। तदुपरांत दाह करता जनेऊ को अपसव्य करके चीता पर जल छिड़के, फिर इस प्रव्यदा अग्नि को सरपत आदि पर रखकर निम्न श्लोक का उच्चारण करते हुए चार बार परिक्रमा करें, सिर की ओर अग्नि प्रज्वलित करें। कृत्वा तु दुष्करं कर्म जानता वाप्यज्ञानता, मृत्यु कालावशः प्राप्तं नरं पञ्चत्वमागता, धर्म धर्मा समायुक्तं लोभ मोहं समावृतं, दहेयं सर्वगात्राणि दिव्य लोकान् स गच्छतु। परिक्रमा की समाप्ति के पश्चात उसके मस्तक के नीचे से अग्नि रखे और उसे पूर्ण रूप से प्रज्वलित कर और उस स्थान से हटकर अन्यत्र जाकर सभी लोग बैठ जावे। कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्या है, इसके बारे में आज जानते हैं।
आधा सौ जलने के पश्चात दाह करता जले हुए सौ का मस्तक फोड़े और इनमें तुलसी की लकड़ी, घृत, काला तिल, इन तीनों को लेकर मृतक के कपाल में छोड़े और निम्न वाक्य का उच्चारण करे। अस्मात्म स्वाहा। फिर जब तुल्य सौ का शरीर रह जाए तो उसे गंगा जल में दूध मिलाकर ठंडा करे। बचे हुए शरीर को यदि गंगा नदी हो तो उसमें छोड़ दे। इसके उपरांत दाह करता कुशा पर एक चुलू जल छोड़कर निम्न वाक्य कहे। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत अस्थि संचय निमित्त 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 पिंडस्थाने अत्रावने निक्षवते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। तदुपरांत छठे पिंड को अपने दाएं हाथ में लेकर तथा कुसा तिल और जल लेकर निम्न क्रम से प्रदान करे। ओम अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेत मुक्ष काम अस्थि संचय निमित्त निमित्त एष पिंडस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस प्रकार बोल करके छोड़ दे। पुनः कुसा जल तिल हाथ में लेकर यह वाक्य कहे। ओम अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेत मुक्ष काम अस्थि संचय पिंडे प्रत्यावने जनम ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। यह कहकर एक चुलू जल पिंड पर छोड़े। इसके उपरांत एक घड़े में जल लेकर जिस स्थान पर सौ जलाया गया है उसे ना देखते हुए अपने दाएं कंधे से घड़े को वहां गिरा दे। इसके पश्चात दाह करता आगे और उसके पीछे पारिवारिक जन संबंधी तथा समाज के लोग स्नान के लिए जाए। स्नान के उपरांत निम्न संकल्प करे। काले तिल द्वारा जलांजलि प्रदान करे। दाह करता अपशब्द होकर अपने हाथ में कुशा लेकर यह संकल्प करे। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत दाह तृष्णो पश मनार्थ त्रय तिल तोया जलते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस प्रकार से संकल्प करने के बाद सभी लोग जल अंजलि प्रदान करें। जल अंजलि अपने पितृ तीर्थ से प्रदान करें। इसके बाद स्नान के बाद स्त्रियों और बालकों को आगे कर मृतक के घर जावे और वहां काली मिर्च या नीम पत्र को चबाकर थूके और दोनों पैर को धोकर अपने अपने घर चले जावे। उस दिन अशौची परिवार अपने गृह में अन्न का भक्षण ना करे। उस दिन सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के द्वारा भेजे गए भोजन से गौग्रास निकाल कर उसके उपरांत उसका भक्षण दाह करता एवं परिवार के अन्य सदस्य करें। विशेष सायंकाल गृह के द्वार पर या प्रथम चौराहे पर अथवा शमशान भूमि में जल दूध दीपक प्रदान करें और कंडे की तीन तीन लकड़ी तीन जगह कच्चे सूते से बांधे तिरपाए के सदृश निर्माण कर पहली तिरपाई पर जल फूल दूसरे पर दिए में दूध और तीसरे में घृत या तिल के तेल का दिया रखे। सभी दीपकों में काला तिल छोड़े। पुनः अपशब्द होकर अपने दाहिने हाथ में कुसा तिल जल लेकर यह संकल्प करे। ओम अद्य अमुक गोत्र अमुक प्रेत प्रथम दिने सर्वकाले तृप्तो
पश मनार्थ त्री काष्ठो परि माल्या पानी यक्षिर दीप दयस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इसके बाद तदुपरांत दाह करता दीप जलाकर निम्न श्लोक का उच्चारण करके प्रार्थना करे। शमशान नला दग्धोषी परित्यक्तोषी बांधवे इदं निरामिदं क्षीर मत्रं स्राही इदं पिबा यमद्वारे महाघोरे अंधेन तमशावृते तत्रावलोकनार्थाय दीपो यमुं प्रतिष्ठिता। इसके उपरांत जनेऊ को सभ्य कर दाह करता पूर्वाभिमुख होकर भगवान विष्णु का स्मरण करे। उसके बाद घंट बांधनम शास्त्रों के मतानुसार मृत्यु के तीसरे दिन मुखाग्नि देने वाले को पिपल वृक्ष के ऊपर दो घंट बांधना चाहिए, एक में दीपक जलाने के लिए और दूसरे में 10 दिन तक नियम से प्रातः काल जल और सायं काल जल देकर दीप को जलाना चाहिए। घट में जल दान करने हेतु यह संकल्प करें। ओ अद्यः अमुक गोत्र अमुक प्रेता इदं तद्गता ध्वाता पस्त्रमा मनिता वर्तिका शोचान्त दी पर्यंता अस्वस्था शाखा वल्ला पित सतिला जलम ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। इस प्रकार संकल्प करें। संकल्प के पश्चात निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। सर्व सर्वता पोषमान मध्ये श्रमाय विनाशन प्रेता तृप्त करम वारी इवं प्रेता सुखी भवा। इस प्रकार से यह श्लोक बोल करके प्रतिदिन जल दे, सायंकाल जल और दीप दान के हेतु यह संकल्प करे। ओम अद्यः अमुक गोत्रः अमुक प्रेता असो चांतरगत अमुक दीने यम मार्गा नुसांतरण घोरता मिश्रांधतम संतरण कामः एष दीपस्ते मया दीयते तवो प्रतिष्ठिता। निम्न श्लोक का उच्चारण कर सूर्यास्त से पूर्व दाह करता दीपदान करता बोले। यमद्वारे महाघोरे चंद सूर्या विवर्जिते अंधकारा वसंतार्थं दीपोयं दीपये मया। यमद्वारे महाघोरे अंधेन तमा शमाभूत तत्रावारयत दीपस्य मया दीपं प्रयच्छता। इस प्रकार से इस श्लोक को बोलने के बाद जनेऊ को सभ्य करके निम्न श्लोक का उच्चारण करके दाह करता पीपल की प्रार्थना करे। अस्वस्थं पुण्य वृक्षोसी वासुदेवात्मकः अनीनन जलदानेन प्रेताणा मोक्षा प्रादो भवा प्रभो। इस प्रकार से दाह करता प्रार्थना करने के बाद प्रणाम करे। इस प्रकार से हमने आपको अंत्येष्ट संस्कार विधि की जानकारी दी है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो आपके पास तुरंत अपडेट हो जाएंगे।